आखिरकार देश में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, एक तरीके से कर्नाटक में उसका उद्यम होने जा रहा है। जिस तरीके से कर्नाटक भारी जीत, जिस तरीके सीट लाकर कांग्रेस ने एक इतिहास रच दिया कर्नाटक में, जिस तरीके से तमाम राज्यों में, इंडिया के देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस एक उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है राजपत यादव जी, जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक भी है और कांग्रेस के एक बड़े नेता है, तो उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर इस कर्नाटक की जीत को मनाया और लड्डू भी लोगों को खिलाया। तो कैसा लग रहा है राहुल गांधी की जो जीत इस तरीके से देखी जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा एक कितना सफल रहा? भारत जोड़ो यात्रा 100% सफल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा 100% सफल रहा है। और राहुल जी हमेशा कहते रहे कि एक तपस्या है और उस तपस्या का जो फल मिलता है पूरे देश को मिल रहा है। करीब 4,000 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल चले उन्होंने, उसके ऊपर भी बहुत सारी टीका टिप्पणी की गई। बिना डरे, बिना किसी झिझक के उनकी सुरक्षा में भी कई बार चूक हुई, लेकिन वो कहीं डरे नहीं, अपनी यात्रा को पूरी किया। और उस यात्रा का रिजल्ट रहा है हिमाचल में हमारी सरकार है, आज कर्नाटक का रिजल्ट है, कर्नाटक में 136 सीट जीत करके। लेकिन सर, बीजेपी जिस तरीके से कहती थी कि भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से प्रोपेगेंडा है, उन राहुल गांधी को नींद से उठाने की तकरी एक और चीज है। बीजेपी का मतलब क्या है? भारत जलाओ पार्टी। बीजेपी कब सच बोली है उसका पूरा इतिहास बताओ, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी या कहां रही? बीजेपी अगर भारत जोड़ो प्रोपेगेंडा बोल रही थी तो हिमाचल का रिजल्ट आपके सामने, कर्नाटक का रिजल्ट आपके सामने, लाखों लोग उनके पदयात्रा में शामिल होते, मैं गया हूँ पदयात्रा में, उनके जुड़ा रहा हूँ। सुबह 4 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे कि राहुल जी आए, राहुल जी को हम अपना दुख दर्द बताएं, राहुल जी से हम अपने जो तकलीफ है उसको शेयर करें। तो क्यों नहीं, उनको दिख नहीं जाता, उनकी मीडिया को जो दिखाने का नहीं दिखाने का है उस तरीके भी से कोशिश की, बहुत सारी कोशिश की। राहुल जी की जो बातें हैं, उन्होंने जब कोरोना आया था तो जब प्रधानमंत्री जी हमारे चीन के राष्ट्रपति के साथ बीजी थे, तब तो उन्होंने कहा था कि कोरोना ये सुनामी लेगा, उनकी बातों को ध्यान नहीं देगा, सुनामी हुआ। उन्होंने महंगाई बोली कि महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ी। उन्होंने कहा जीएसटी जो गलत है तो जीएसटी का गलत रिजल्ट है, आज बेरोजगारी है, महंगाई अपने। आप देखिए पहलवान बैठे हुए दिल्ली में और उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जो उनके सांसद रिजाइन देने का नाम नहीं, रिजाइन दे, इंक्वायरी हो, अगर सच है तो फिर आके बने। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से राहुल गांधी की परिभाषा जीत का उदाहरण है या फिर और भी कई मुद्दे, जैसे इस जीत में ये जीत जो है, ये जीत किसानों की जीत है, ये जीत बेरोजगार युवकों की जीत है, ये जीत माताओं बहनों की जीत है, ये जीत जो कमजोर सताए गए लोगों की जीत है, क्योंकि लोगों का एक गुस्सा था। ये 40% कमीशन की सरकार रही है कर्नाटक में, और कर्नाटक में सरकार कैसे बनी है वो भी आप लोगों ने देखा है, वो सिर्फ असूली की सरकार रही है, लोगों का जो गुस्सा था भयंकर, उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम है। लेकिन सर, इतना तमाम आपने कांग्रेस ने आंकड़ा लगा दिया कि इतनी बहुमत से जीतेंगे, तो एक तरीके से अगर बीजेपी किसी राज्य में जीतती है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये स्कैम था, मशीन से फॉल्ट हुआ उसका है, तो क्या बीजेपी भी कह सकती है कि ये पूरा आंकड़ा मशीन की गलती थी? ये बहुत बड़ा खेल है। आपका मोबाइल हैंग होता है कि नहीं होता है? कभी कभार आपके मोबाइल से पैसा निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। लोगों का कंप्लेन आता है ना, मेरे खाते में से पैसा निकल गया, इस तरीके से कर दिए, तो आपको तो देते नहीं खाता नंबर। तो जो चल रहा है, जो सैटेलाइट चल रहा है, हाँ मोबाइल लिया, कहीं तार जुड़ा है नहीं ना, कुछ सैटेलाइट है ना, तो उस तरीके से कोई भी असंभव नहीं है। जिस लोगों ने मशीन बनाया उस लोगों ने विरोध किया, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो करते हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव हो, अगर वो डरते नहीं है, हम बैलेट वोट की मांग करते तो बैलेट वोट कराए ना, क्यों डरते हैं? अगर हमारी बात गलत है, हम गलत इल्जाम लगा रहे, तो बैलेट वोट से हम मांग करते, पूरा देश मांग करते है बीजेपी को छोड़, बैलेट वोट से मांग करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें डर किस बात की है?
लेकिन सर जो केरला मूवी की जो स्क्रिप्टिंग एक तरह पिक्चर जो रिलीज हुई थी, इसका भी पीएम मोदी ने कर्नाटक में काफी सारा प्रचार किया कि हर हिंदू को देखना चाहिए। कर्नाटक प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है, मैं वही अभी दो मिनट पहले कहा, जो भगवान राम का नाम लेते हैं उनको मेरा एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, वाल्मीकि रामायण में जब भरत जी भगवान राम के पास जाते चलिए वो नहीं जाने को तैयार होते हैं, तो उनसे क्वेश्चन करते प्रश्न करते कि मैं राज्य कैसे चलाऊं, राजा कैसा होना चाहिए। हाँ। उसमें भगवान राम ने सब विस्तार समझाया और वाल्मीकि जी ने सब विस्तार लिखा हुआ है, वो बीजेपी के नेताओं को पढ़ना चाहिए और अपने राजा को समझाना चाहिए। और राजा के लिए बराबर होता, पांच लड़के हैं अगर एक पिता के, हाँ। कोई बहुत ताकतवर होता है कोई कमजोर होता है, पांचों लड़के उसके लिए लड़के हैं और पांचों लड़कों को संभालने का पिता का काम होता है, वैसा ही राजा है, राजा जो प्रजा है उसके वो पिता है और पिता तुल्य है, तो उनको संभाले, किसी को भेदभाव नहीं करे। और बजरंगबली, बजरंगबली का जो नाम लेते हैं, आज शनिवार है, बजरंगबली का वार है, और बजरंगबली ने कलयुग में सबसे पूजनीय, कलयुग में साक्षात पूजनीय बजरंगबली है और बजरंगबली ने उसका रिजल्ट दिया है। लेकिन बजरंगबली का नाम लेकर आपकी वोटिंग चालू हुई थी और आज बजरंगबली का दिन आप जीत गए। बजरंगबली तो सच का साथ देते हैं ना, गलत का साथ कभी बजरंगबली दिए हैं? नहीं नहीं, सुग्रीव का साथ दिए, बाली का साथ नहीं दिए। बिल्कुल, बजरंगबली कभी भी गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करते, इसी के लिए तो लोग बजरंगबली से डरते हैं ना। इसी के लिए जो बजरंगबली का नाम लेके गलत उपयोग करते थे तो बजरंगबली ने उसका रिजल्ट दे दिया, अगर उसके भाषा में बोला जाए। एक सवाल और सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जो चार स्कीम है कर्नाटक में दिए जाएंगे कि हर एक महिलाओं के खाते में 2000 होनी चाहिए, राहुल जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, हाँ। उन्होंने कहा है पहली कैबिनेट में 5 कमिटमेंट हम पूरा करेंगे, महिलाओं का, बेरोजगार युवकों का, किसानों का। तो राहुल जी जो बोलते हैं करते हैं, और जो करते हैं राहुल जी वही बोलते हैं। 15 लाख रुपए आया क्या, महंगाई कम हुई क्या, नहीं कम हुई ना, तो राहुल जी ऐसे नहीं फेंकते नहीं है, राहुल जी जो बोलते हैं करते हैं। तो पीएम फेंकू है, पीएम फेंकू है कि क्या 15 लाख रुपया आया है तो सही बात है, फेंकू नहीं है, नहीं आया तो आप उसको सोचिए क्या इल्जाम लगाओगे पीएम को। अब कर्नाटक के बाद कितने राज्यों में कब्जा करने की या फिर जीतने की एक आप बीजेपी का हुआ आप लोग बना दे दो चैनल वाले, बीजेपी है कहाँ, आप यहाँ से शुरू करिए चाहे साउथ से शुरू करिए, कहाँ है बीजेपी, केरला में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, महाराष्ट्र में कैसे है आपने देखा, मध्य प्रदेश में नहीं थे, राजस्थान में नहीं है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, है कहाँ बीजेपी, खाली एक प्रदेश लेके और दुनिया का भूमिका बनाएंगे, नौटंकी करेंगे और मीडिया चला देती है। 303 सीट में 80 सीट एक जगह से, 75 सीट एक जगह से, तो वहां के भी लोग समझ जाएंगे, वहां के लोग उत्तर सही समय पे देखते हैं और 2024 सही समय आ रहा है, उत्तर देंगे, अच्छा सा उत्तर देंगे। तो कौन होगा आपके यहाँ से पीएम, राहुल गांधी के अलावा हमारा कोई पीएम नहीं, हमारा एक ही नेता राहुल गांधी, हम रोज नेता नहीं बदली करते, एक ही नेता है जी, जिसका नाम है राहुल गांधी, और राहुल गांधी पीएम बनेंगे। आपने देखा होगा आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजों का प्रमोशन था उस पर स्टे लगाया है, जो राहुल गांधी को 2 साल का पनिशमेंट किया उस जज का भी प्रमोशन रुका है, आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है, ये मीडिया कभी बोलेगी ही नहीं, ये मीडिया कभी बोलेगी नहीं ना, ये दिक्कत है।